यार हम आए थे पीर चनासी। थ्री टू वन गो। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, भाई और बहनों, आज की वीडियो करते हैं शुरू। मेरे साथ है सूफी अब्दुल्ला। सूफी साहब, क्या सीन है आज, बताएं ऑडियंस को कि हम किधर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं पीर चनासी। उधर क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं उधर? आज हम जा रहे हैं पीर चनासी कश्मीर। और एक और बात, पीर चनासी कश्मीर। सूफी साहब फुल सर्दी में और मैं फुल। एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि मर्द को जो है वो दर्द नहीं होता, कि ये बात ठीक है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन ठंड लगती है। हम फुल चादर चादर बोल में। क्या बात है, तो मुझे क्यों नहीं लग रही यार? यार तू है ही उस जगह करते हैं, उनको ठंड लगती है। ये भाई चादर ले गया। और भाई हमारे लगते हैं, करते नहीं है, करते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, रऊफ भाई भी आ चुके हैं। आज हम जा रहे हैं पीर चनासी कश्मीर की तरफ ट्रिप लेके अपनी यूनिवर्सिटी का। तो सीन हैवी होंगे, आपको मिलवाते हैं बाकी लोगों से। कुछ ऐसे हैं इसी के, नहीं ये बात किसी की लाइन है। गेम सिर्फ सब्सक्राइबर्स की, गेम सिर्फ इरफान भाई की। ओके, इस टाइम जो जल्दी आना चाहता है, लास्ट टाइम पे जो सीट आना चाहता है वो छत हमारी फ्री है। इस टाइम जो बंदा इस टाइम आना चाहता है 1000 रुपए में आज छत में बैठ के आज। और जो फ्री आना चाहते हैं वो फिर पीछे लटक के आज। अच्छा यार, सीन ये है कि बेसिकली हमने अपनी यूनिवर्सिटी का ट्रिप किया था। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों से आज कश्मीर जा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है हमारा दोस्त फ्रॉम सवात। कश्मीर पहली बार जा रहे हो? जी जी, फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। तो हाउ आर यू? चलो सवात वाले से पूछेंगे नहीं, हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि एक ही जैसी जगह है पहाड़ी। लेकिन ये बंदा आया है मसूद भाई, ही इज फ्रॉम कराची, और ये पहली बार कश्मीर जा रहे हैं। मसूद भाई क्या फील हो रहा है, पहाड़ देखे आज तक? नहीं यार, मैं तो इस्लामाबाद पहली दफा आया हूँ। यहाँ के पहाड़ नहीं देखे कभी, तो अभी पहली दफा आया हूँ। मैं तो कराची से निकला ही नहीं था कभी बाहर। यार देखो यार, आज आपको हम पहाड़ दिखाएंगे, और आपको ग्रीनरी वाले पहाड़, कराची के करीब जो पहाड़ है ना बलोचिस्तान के, वो खाली पहाड़ होते हैं, ग्रीनरी वाले पहाड़ आज आपको दिखाएंगे बॉस। यार द क्रेडिट गोज टू हम्माद अब्बासी साहब। नहीं यार, हम सब की मिल के ऐसी कोई नहीं, किसी का क्रेडिट नहीं है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। नम 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 नम। पहली बार कश्मीर? अच्छा नहीं भाई, मैं पीस मैच पहले ही बार जा चुका हूँ। ओके, अपना ने कैसा फील कर रहा है? ये देखिए कितने लोग जाने वाले हैं आज। क्या यार, क्राउड ज्यादा हो गया यार, क्राउड ज्यादा हो गया। वासी जी कह रहे थे कि दो बसें हो गई है पूरी। वैसे करनी दो ही थी, अक्सर अभी ऑन बहुत से लोग ऑन स्पॉट शो कर गए रोला हो रहा है। तीसरी बस हम करा रहे हैं, तीसरी बस करा रहे हैं। वासी जी मींस बिजनेस काम हो रहा है। ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था विकास शबीर ने। विकास, ये जो सारे लोग अनकम्फर्टेबल होकर जा रहे हैं पीछे, छह ये खड़ा है इधर, ये भाई हवा में खड़े, मैं लोहे पे बैठा हूँ, इसके बारे में क्या जवाब देंगे आप? जवाब दो जनता को। मैं सबसे माजरत, जनता को जवाब दे, मैं सबसे माजरत करता हूँ। देखो यार, सीन ये है कि हम लोग वहाँ से निकल गए थे, बहुत हड़बड़ी में निकले, समझ नहीं आई। रास्ते में हम एक जगह खड़े थे क्योंकि हमारे विकास और एक और दोस्त की तबीयत खराब हो गई है। हंसना भाई तेरे साथ भी यही हाल होगा। मेरे साथ हो रहा था, बट मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। छोटा सा एक मसला ये हुआ है कि हम लोग बंदे ज्यादा है और गाड़ी में जगह कम है, तो भाई तो अगर लोहे पे बैठा हुआ है, तू कहाँ पे है? मैं खड़ा, ये भाई मैं खड़ा हूँ, और मैंने सारा लिया है वासिफ के घुटने का। हाँ, इसको घुटना मेरा चुभ रहा है, मुझे लोहे चुभ रहे, बट गुजारा करेंगे, अब आ गए तो ट्रिप को अच्छा बनाना है। 20 minutes later, देखो बहुत बैड सीन हो गया था उस बस में, 1.5 घंटा लोहे पे खड़ा रहो, मेरे जिस्म में लोहे के निशानात बनी है। लोहे पे खड़े रहे, ये मतलब क्या था लोहे पे खड़े रहने? यार अब मतलब नहीं समझा सकता, बहुत दिल दुख रहा है। यहाँ पे आया दूसरी बस में, मुझे लगा बस नहीं डब्बे में, मैंने कहा शायद यहाँ जगह मिल जाए। तो ये आपको हसन हालात दिखाएंगे, अपडेट करो आवाम को। हालात जो है वो बहुत खराब है, बहुत नाजुक सूरत है। वासिफ को देखें कहाँ बैठा हुआ है बेचारा। अली भाई इधर आओ ना, अली भाई भी है, ये अली भाई भी है। यार सीन इस तरह का कि उस बस में जगह पड़ गई थी बहुत कम, तो ये बता चुका हूँ मैं, ये डिसाइड किया कि हम इधर आ गए, इधर आए हैं इस होप में कि जगह मिलेगी, जगह इधर भी नहीं मिली, ये भी बता दिया। पांच लोग इधर बैठे हुए, कुछ नई बात कर, कोई नई बात कर, नई बात ये है कि मंगला डैम में कल शूट है, उधर पहुंच जाए टाइम से। देखो सीन ये कि हम लोग पहुंचे कश्मीर वाटरफॉल, गला खराब हो चुका है, सामने कश्मीर वाटरफॉल है,
इससे आगे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। शुगल मेले की मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। पीर चनासी और कश्मीर वाटरफॉल दोनों की मैंने वीडियोस 3 साल पहले बनाई थी जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, जाके देखें पूरी डिटेल में वीडियोस थी। यार सीनियर के कश्मीर वाटरफॉल तो सामने है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है दुआ और फिजा। ये दोनों सिंध से हैं। कहाँ से हो दुआ? हैदराबाद। एंड यू? क्या? खैरपुर। ओके, तो हाउ यू गाइस फीलिंग? तुम लोग पहली बार कश्मीर आए हो, सिंध में आपने काले पहाड़ देखे होंगे, यहाँ पर आपको ग्रीन पहाड़ नजर आ रहे हैं। नहीं देखियो, आगे जासो जगह और सुनिए सो दैट इज कश्मीर वाटरफॉल एंड हम लोग उस डोली से जाएंगे। तो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा दरिया से? और हमारे साथ मौजूद है हसन सईद। मेरे पास भी नहीं है, ऐसा ऑफ है, बिल्कुल ऑफ है। यार हमारे साथ मौजूद है हारून। हारून कश्मीर पहली बार आए हो? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। ओके, फिर अच्छा ही लग रहा होगा। लेकिन ये मतलब खुद सवाल से है, कहते हैं कि अच्छी बात बार बार करनी चाहिए, इसी तरह अच्छी जगह बार बार आना चाहिए। ये बात पिछला से आयो पहले? हाँ, मैं पिछला से एक बार आया हूँ। ये मोटिवेशन होनी चाहिए बार बार आओ, मैं भी दूसरी बार आ रहा हूँ। और अभी हम वो सामने कश्मीर वाटरफॉल वहाँ जा रहे हैं। यार जगह बहुत प्यारी लग रही है, पता है? मैं यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, अभी चलते हैं। चलो चलते हैं बस। वो देखो आधी आवाम जा रही है, ये चेक करो। यार हमारे साथ उस्मान भाई भी मौजूद है। उस्मान का ताल्लुक है मरी से, और उस्मान ने यहाँ पे गुस्सा किया मेरे ऊपर, कहता कि ये पार तो दरिया के पार और ये मरी में आती है। ये है अभी मरी की, ये कश्मीर वो लिखा गया है वर्ड तू लिख। यार ये इसने ना हमारे साथ दगाबाजी की है, धोखा किया। मैं कह रहा था बहुत बड़ी आबशार है, वाटरफॉल है, ये क्या है? ये दिखाएं जरा। ये वो बंदा होता है ना जो जितना दूर जाए जितनी प्यारी जगह बोलेगा ये क्या है, ये तो आम सी चीज है। तो ना शुक्र आदमी है। तूने भी देखी है, तेरे लिए भी ये कोई नई चीज नहीं। लेकिन मुझे मजा आ रहा है यहाँ, मजा तो हम वाइब्स के सारे मजे हैं। तो यही बात होती है एंजॉयमेंट के, बाकी व्यू तो हमने देखा भाई है सारा। अरे साथ अली मामला भी मौजूद है। आपको बताया आप आ गए कश्मीर वाटरफॉल के पास, ये सामने आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके अलावा क्या है? व्हाई डिड यू इग्नोर मी? सामने ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। यार हम लोग वहां जा रहे हैं, नीचे आपको दरिया दिखाएंगे और ये पार जगह रहेगी। ये अबासी को सारे दोस्त जबरदस्ती डाल रहे अबासी जी, आपकी क्या दास सुनाते हैं आप? क्या Few inches later. यार मुझे इन्होंने गीला किया, एक बंदे को भी नहीं छोड़ूंगा। देखो मीसम भी मिल जाएगा, सबका काम हो गया, अस्करी का काम होगा, मीसम का भी होगा। नहीं होगा, मीसम मिल जाएगा, मीसम जाएगा। मीसम मीडिया बना फिलहाल तू। ए कुतिया, अस्करी अस्करी, ये मीसम फुल प्यार से जा रहा है। आजा मीसम, बोल इंडियन पीछे बढ़ा दो, ये तेरा फोन है। वंस मोर मामला पी, वंस मोर, ये आ जाओ सारे। एक मिनट रुक, कैसा फील कर रहा है तू गीला होने के बाद? सबसे पहले तो मैं आपको गालियां देना चाहूंगा। किस किस को? तुझे। हाँ, और दूसरी बात है कि ठंड लग रही है, तीसरी बात है कि मज़ा भी आ रहा है। यार वी आर बैक, हम पार आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पीर चनासी। लेकिन उससे उधर पहुंचने से पहले हमने खाना खाना है। पानी वाला सीन हुआ है ना, वासफ ने करवा दिया सबको। देखो सीन ये हुआ कि जब हमाद को पानी में डाला ना,
तो मेरे मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मैंने कहा ये ज्यादती और ये बड़ा घटिया काम है कि आप जबरदस्ती किसी को पानी में डाल लें। लेकिन जो ही हमाद गया उसको गुस्सा आया, उसने आके मुझे पानी में ले गया। जब मैं गया तो मैंने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर एक आ रहा था और वो दूसरे को गया था कि मैं घुस गया हूँ पानी में, अब दूसरा भी घुसेगा। तो ये सीन चला है यार। हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे, आज पीरचनासी जाना था लेकिन अभी चार तो यहीं पे, तीन तो यहाँ पे बजने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सूफी अब्दुल्ला सूफी और रऊफ बिलाल। रऊफा जी क्या सीन है? सीन ये है कि भाई मैं तो अभी तक पूरा गीला था, जूते सामने रखे हैं मैंने, घंटा लग जाना खाने में, थोड़े बहुत सूख जाएंगे। यार रोटी खुल चुकी है, सुलेमान कैसा फील हो रहा है रोटी देख के इतनी देर बाद? देख लो यार, यार मैं बगैर नाश्ते के आया था और मैं कहता हूँ कि क्या आप काम ना करें ना, जिससे शादियों में लोग खाना खाना स्टार्ट होते हैं, कैमरामैन बन के आ जाए। सॉरी कैमरा लगाओ भी तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कैमरा लगा। यार सबसे बुरी चीज मुझे यही लगती है जो शादियों में खाना रिकॉर्ड होता है। यार हमारा एक दोस्त सो रहा है। 3 2 1 गो। यार इतने लंबे सफर के बाद पीरचनासी पहुंचे कि सुबह तकरीबन 8 बजे निकले थे और अभी शाम के 4 बज रहे, सूरज ढलने वाला है, यहाँ पे सनसेट सीन चल रहा है और अभी सारे पहुंचे। अली मामलाती यार, पीरचनासी जो आपकी क्या वो है यार, फीलिंग इस तरह है कि रास्ते में बहुत कप डली है, वासिफ लोगों ने बहुत इंटरटेन किया है, बहुत डांस चांस किया है, बहुत गाने वगैरह गाए, सारा रास्ता अंताक्षरी खेलते मतलब कि वही ना सॉर्ट ऑफ। तो खैर मैं सो गया था, वासिफ ने एक वीडियो भी बनाई है वो चीख मार इन्होंने मार के मुझे जगाया, बड़ा एग्जॉस्ट हूं रात को भी सोया हुआ था ना। ये पीछे कौन बोल रहा है? मणि जी कौन है यार? कौन ये पागल है, मेंटल है, ये पहाड़ी इलाके से आया हुआ है, मे बी अच्छा वहां से। यार देखो सीनियर के हम सारे वाटरफॉल में गीले हुए थे, मैं सूख गया हूँ, ये सारे गीले गीले हुए नहीं थे, इन्होंने उठा के डाला वाटरफॉल लेकिन मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है। अब रीछों को किधर लगती है ऐसे तो ना बोलो यार। यार हमारे साथ मौजूद है ईमान। ईमान कैसा लग रहा है तुम्हें पीरचनासी आगे? बहुत अच्छा लग रही है। तुम मुझे देखो, मुझे नहीं लग रही, तुम्हें क्यों लग रही है? अब आप पत्थर के पर्सनालिटी चेंज है यार। क्या वसी जी, वसी जी Yes, क्या फील हो रहा है आपको पीरचनासी आके? यार यहाँ पे एक नई दुनिया का पता चल रहा है कि जिंदगी मौजूद है। अच्छा। और इसको फील करने के लिए भी ना दिल के अंदर दिल होना लाजमी है। अच्छा। बस ही ने सोचा कि बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करो लेकिन ठंडी मार गया। गिटार इसका रेडी है और यहाँ पे हम थोड़ी देर जैमिंग करेंगे, बाकी हमारे बहुत सारे बॉयज से जो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, नहीं मिल रहे, बट इंतजार कर रहे हैं। हाँ क्या यार, हम आए थे पीरचनासी। मैंने इनसे कहा था कि मैं इधर कैमरा मोड़ूंगा शोर करना, इन्होंने मुझे दिया। मेरा आइडिया था कि शोर नहीं करना। चलो वन गो, 3 2 1 गो। गुरुजी शुरू करें, ट्यून पहले से करना था। जोया पीरचनासी आके कैसा लग रहा है तुम्हें? अगर हम जल्दी आते हम उस पहाड़ तक जाते, बट अभी जा नहीं सकते, अगली बार। यार असवन यहाँ पे अपना सबसे पहले ओरिजिनल गाना गाएगा। असवन 3 2 1 गो। बारिश हुई अचानक आ गया जो तू, मुबारक रात तुम गई मेरी ये तो। ये देखो ये कंटेंट, ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है लेकिन ये है नहीं, ये सिर्फ फ्लेक्स मार रहा है। ओ नाइस यार। Yeah.
देखो सीन ये था कि कल बहुत थकावट हो गई थी, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर वीडियो बनाने की, और मैं चाहता था कि मैं इंजॉय करूं। जब आप वीडियो बना रहे हो तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, तो मैंने ज़्यादा इंजॉय किया, वीडियो कम बनाई है, उसके लिए सॉरी। लेकिन कभी कभार बंदे का दिल करता है कि खुद इंजॉय करे, तो जो हो गया सो हो गया। और ज़्यादा इंजॉय करने का नतीजा ये है कि मेरा गला ख़राब है, मैं इसे बोला नहीं जा रहा। तो ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।